हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि यूपी सरकार की जो वाहियत हरकतें उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसके सर उसकी पुलिस और प्रशासन और राज्य ने मिलकर जिस तरह से एक एक प्लानिंग करके एक दलित बच्ची के साथ जो खिलवाड़ की है उसके विषय उसके ऊपर अत्याचार होने के बाद उसको जो सम्मान मिल उसके शव को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भी उसे छीन लिया और एक लावारिस की तरह उसे जला दिया और सारे सबूत नष्ट कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे मैं सबसे पहले तो एक ही नारा लगाना चाहूंगा कि चूड़िया सस्ती कर दो बाजार में, चूड़िया सस्ती कर दो बाजार में, हिजड़े बैठे सरकार में, चूड़िया सस्ती कर दो बाजार में क्योंकि हिजड़े बैठे सरकार में। और योगी सरकार से मैं एक ही जो उन्होंने नारा लाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनको बदल कर ये नारा लगाना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि जब तक ऐसा चलता रहेगा ऐसे कृत्य घटते रहेंगे। और मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि जो मुद्दे की बात है कि हर बार यही देखा जाता है कि दलित समाज की लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है और उनको न्याय भी काफ़ी लंबा जाता है, न्याय मिलता ही नहीं है, और न्याय अगर मिलता भी है तो काफ़ी सालों बाद मिलता है। और वही एक कांड जो हुआ था, मीन्स प्रियंका रेड्डी जो है ऊपर की जाति की थी इसलिए उनको शूट एंड साइट का ऑर्डर देकर उनके बलात्कारियों को डायरेक्ट मार दिया गया, वही अगर सरकार इन लोगों के साथ भी किया जाए तो ठाकुरों की ये जात जो है जो ऐसा कर रही है इनको मजाल है ये ऐसा आगे करेंगी, तो इसलिए जल्द से जल्द इनको न्याय मिले और फांसी की सजा जो देने की मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही मैंने पॉइंट रखना चाहिए कि दलित समाज के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों, यही मैं सवाल। युवा महासंघ की ओर से और सभी समस्त दलित समाज की ओर से यह मांग करता हूं कि जल्द से जल्द यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाए और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। सभी मीडिया, पूरे भारतवर्ष की मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जो ये आज हम सभी के सामने जो दिख रहा है हमारे समाज के साथ में, हमारे समाज के साथ में बोले तो पूरे दलित समाज के साथ में, पूरा शासन प्रशासन बहुत ही गंदे तरीके से व्यवहार कर रहा है। देखा जाए उन्होंने हत्यारों ने तो उस बेटी के साथ में बलात्कार किया है, रेप किया है, वो तो बहुत ही भयानक घटना, मगर उसके बाद में प्रशासन पुलिस प्रशासन ने क्या किया उस बेटी के साथ में, उस देश की बेटी के साथ में, वो तो उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनको दोषियों को तो फांसी मिलना ही चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है, मिलना ही चाहिए, मगर जो पुलिस प्रशासन ने जो उस बेटी के साथ में बर्ताव किया रात को 2:30 बजे उस मृतक बेटी का दाह संस्कार किया, ये कहीं नहीं, कहीं आने ऐसा वो नहीं किया, वो लिखा गया ना तो कहीं ऐसा दर्शाया गया है कि इतने रात को उसका आने वो करना चाहिए। कोई वो आतंकवादी थी या कोई उससे किसी को उससे वो था, धोखा था, जिसको इतने रात को अकेले बिना परिवार को बताए उस बेटी को रात को दाह संस्कार कर दिया गया, पता नहीं वो उसका दाह संस्कार किया या और किसी का किया गया। ये बहुत दुखदायी घटना है। आपके मीडियम के माध्यम से हम सब कहना चाहते हैं, हम दलित भाई बंधु सभी, हम सभी ये चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी है, जो भी वो पीड़ित परिवार के दोषी है, उस बच्ची को बलात्कार जिसने किया है, उन सभी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जितना पुलिस प्रशासन जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया बर्ताव किया है उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।